नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धोरिया। सीबीएसई और आईसीएसई की 10वीं और 12वीं की टर्म परीक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि परीक्षा केवल ऑफलाइन मोड में ही होगी। कोर्ट ने हाइब्रिड परीक्षा करवाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, ऐसे में बीच में परीक्षा में खलल डालना उचित नहीं है। सरकार द्वारा पहले से ही कोविड एहतियाती उपाय उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें, 6 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि कोरोना काल में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड परीक्षाएं सिर्फ ऑफलाइन मोड पर कराना छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, इसलिए बोर्ड ऑनलाइन परीक्षा का भी विकल्प दें। हाइब्रिड मोड पर बोर्ड परीक्षा ली जाए, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का विकल्प छात्रों को दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की याचिका खारिज कर दी। सीबीएसई और आईसीएसई स्टूडेंट्स ने कोर्ट से अपील की थी कि इस संबंध में तत्काल आदेश जारी करें और परीक्षा ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मोड में भी कराने का निर्देश दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा कि परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, ऐसे में बीच में कैसे ऑनलाइन परीक्षा करवाई जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि अगर आप पहले आए होते तो हम याचिका पर गौर करते। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील संजय हेगड़े ने दलील दी कि परीक्षा में 40 लाख बच्चे बैठेंगे, ये परीक्षा अंतिम परीक्षा नहीं है, मिड टर्म परीक्षा है। पिछली बार ये परीक्षा हाइब्रिड मोड में हुई थी, इस बार भी हाइब्रिड परीक्षा कराई जानी चाहिए। अगर सिर्फ ऑफलाइन परीक्षा कराई गई तो कोरोना वायरस के मामले बढ़ सकते हैं। परीक्षा में 40 लाख बच्चे शामिल होंगे, ऐसे में हालात चिंताजनक हो सकते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दलील दी कि परीक्षा केंद्र 6,500 से बढ़ाकर 15,000 कर दिए गए हैं। परीक्षा की अवधि भी 3 घंटे से घटाकर 1.5 घंटे कर दी गई है। अगर कोविड उपायों में कोई कमी है तो उसे तुरंत दूर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि परीक्षा में कोरोना उचित व्यवहार और प्रोटोकॉल अपनाया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।